Hey guys, I'm Ratee and you are studying nursing with me. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे शॉक को. शॉक एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने देखा होगा कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एंड मेनली हाइपोवॉलेमिक शॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं. तो देखते हैं कि क्या ये कंडीशन है शॉक. सो जब भी हम शॉक की कंडीशन को डिफाइन करते हैं गाइस, तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर फेलियर हो जाता है. उसकी वजह से जो इनफ ब्लड का सप्लाई है वो नहीं हो पाता है एंड जो परफ्यूजन है वो भी नहीं हो पाएगा. सो उसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट आता है एंड वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं. और अगर ये जो शॉक की कंडीशन कंटिन्यूस बनी रहती है काफ़ी टाइम तक, तो अल्टीमेटली जो ऑर्गन है वो फेल भी हो सकते हैं इस कंडीशन के अंदर. सो इस तरीके से हम शॉक की जो कंडीशन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर फेलियर हो जाएगा, मीन्स वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से जो आगे फर्दर ब्लड की सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है और उसी की वजह से जो परफ्यूजन है वो डिस्टर्ब हो रहा है. सो ये जो कंडीशन है इसे हम शॉक कहते हैं. अब बात आती है कि शॉक कितने टाइप के हो सकते हैं. यहाँ पर जो मेन शॉक है उनको तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट है हाइपोवॉलेमिक शॉक, देन कार्डियोजेनिक शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक. सो कार्डियोजेनिक शॉक की सब क्लासेस भी हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की भी सब क्लासेस हैं. इन्हें हम फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे गाइस. सो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोवॉलेमिक जो शॉक है उसमें किस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिलती है. हाइपोवॉलेमिक शॉक जो है वो सबसे कॉमन टाइप का शॉक है गाइस. ये आपको मोस्टली देखने को मिल सकता है, इसीलिए इसका जो टाइप है वो बहुत ही कॉमन है. अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें गाइस, तो यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर ये फॉर्म हो रहा है, हाइपो एंड वॉल्यूम. सो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, उसी की वजह से ये शॉक की जो कंडीशन है वो डेवलप हो रही है. सो जब बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा गाइस, तो जो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर ऑक्सीजन है वो वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं और भी जो बॉडी के फंक्शनल ऑर्गन हैं उन तक पहुंचती है. सो ये बॉडी की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी एंड यहाँ पर एक कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म होता है वो काम करता है. लेकिन जब इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा इस पॉइंट तक कि जब जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो भी काम नहीं करेगा, तो उसकी वजह से जो परफ्यूज़न है वो इनएडिक्वेट हो जाएगा इस कंडीशन में. सो इस तरीके से जो वॉल्यूम है वो अफेक्ट डालता है. तो ये जो टर्म है या ये जो कंडीशन है वो हाइपोवॉलेमिक शॉक की कंडीशन है. अब बात आती है कि हाइपोवॉलेमिक जो शॉक है वो किन वजह से डेवलप हो सकता है. इसके तीन मेन रीजंस है, या तो कोई हैमरेज की कंडीशन हो उसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो लो हो सकता है, या फिर बर्न के जो पेशेंट होते हैं उनमें फ्लूइड शिफ्ट की कंडीशन डेवलप होती है उसी की वजह से पेशेंट के अंदर हाइपोवॉलेमिया डेवलप होता है. एंड नेक्स्ट कंडीशन है डिहाइड्रेशन, यहाँ भी इसकी वजह से जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है. सो ये तीन मेजर रीज़न है जिनकी वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक डेवलप हो सकता है. अब बात आती है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितना लॉस होगा उसे हम शॉक की कंडीशन में काउंट करेंगे. सो यहाँ पर जो ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा है गाइस, अगर 15-25% टोटल जो बॉडी वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग 15-25% ब्लड का लॉस होता है उसको हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, या फिर कोई अडल्ट है सो उसका अगर जो ब्लड लॉस होता है वो 500 से लेकर 1500 ml तक लॉस हो रहा है तो उसे हम इस कैटेगरी में रखेंगे. एंड जो शॉक की जो कंडीशन है वो फुली डेवलप कब होती है, जब एक नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है 5 लीटर और इसका 1/3 अगर लॉस हो जाता है गाइस, तो ये जो
शॉक की कंडीशन है वो कम्प्लीटली डेवलप होने लगती है. एंड इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है कि 15-25% जब ब्लड वॉल्यूम डेफिशिट हो जाता है कैंडिडेट का, तो इस कंडीशन में जो शॉक के सिम्टम्स हैं, जो मैनिफेस्टेशन हैं, वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं. एंड अगर हम ओल्डर क्लाइंट की बात करते हैं यहाँ पर गाइस, तो इनके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है अगर स्मॉल अमाउंट का भी लॉस हो रहा है, तो उन पेशेंट के अंदर शॉक के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं. क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो इतना रैपिडली एक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैस्कुलर टोन है वो डिक्रीज होती है एंड कार्डियक फंक्शन भी इम्पेयर्ड होते हैं इस एज की वजह से यहाँ पर. सो इन कैंडिडेट्स के अंदर अगर स्मॉलर अमाउंट का ब्लड लॉस भी होता है तो ये शॉक की कंडीशन में ईजीली डेवलप हो सकता है. या फिर लेंथ ऑफ टाइम को भी हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर. अगर पेशेंट का जो ब्लड लॉस है वो एकदम फास्ट हो रहा है, तो ये जो कंडीशन है वो भी शॉक की कंडीशन को डेवलप कर सकती है. एंड अगर ब्लड लॉस बहुत ही स्लोली हो रहा है, जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इस कंडीशन को जो बॉडी है वो कंपनसेट कर सकती है. एंड फर्दर हम यहाँ पर पेशेंट को रिससिटेट कर सकते हैं इस कंडीशन में. सो लेंथ ऑफ टाइम भी एक क्राइटेरिया है कि शॉक की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है या नहीं. बर्न के केसेस में अगर हम देखते हैं गाइस कि शॉक की जो कंडीशन है वो किस वजह से डेवलप हो सकती है, या तो लार्ज एरिया में पार्शियल थिकनेस हुआ हो, या फिर फुल थिकनेस बर्न के जो केसेस हैं उनके अंदर शॉक की जो कंडीशन है वो डेवलप होती है. और यहाँ पर जो रीज़न बनता है वो यही है कि फ्लूड शिफ्ट होता है, वैस्कुलर स्पेसेस से फ्लूड शिफ्ट होकर इंटरस्टीशियल स्पेस में आ जाता है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो लो हो जाता है. और साथ में कुछ कार्डियक डिसफंक्शन की कंडीशन भी यहाँ पर हो सकती है. मायोकार्डियल डिप्रेसेंट फैक्टर्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर अफेक्ट होता है इस कंडीशन में, इसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो लो हो जाएगा. चाहे यहाँ पर जो ब्लड वॉल्यूम है वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर जो ये फैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी जो कार्डियक आउटपुट है उसमें फर्क आ रहा है गाइस. एंड जब कार्डियक आउटपुट लो हो जाएगा गाइस, तो जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, इसी की वजह से ये जो शॉक की कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है. बर्न के अलावा भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें फ्लूड शिफ्ट की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है, लाइक सर्जरी की कोई कंडीशन है उसमें फ्लूड शिफ्ट की कंडीशन की वजह से जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है वो डेवलप हो सकता है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम. सो ये कुछ कंडीशन है जिनकी वजह से फ्लूड शिफ्ट की जो कंडीशन है वो डेवलप होती है एंड फर्दर ये लीड करती है शॉक के केसेस को. एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में थर्ड जो मेजर रीज़न है वो है डिहाइड्रेशन. एंड कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से बॉडी से फ्लूड का लॉस हो रहा है, लाइक एक्सरसाइजेस हो रही हैं, या फिर रेस्पिरेटरी इनसेंसिबल लॉस हो रहा है, या फिर एक्सेस में यूरिन आउटपुट हो रहा है. एंड डायरिया एंड वॉमिटिंग की जो कॉमन कंडीशंस हैं उनकी वजह से भी फ्लूड का लॉस हो रहा है. सो आपने देखा कि बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो ओरल इंटेक है वो कम हो रहा है एंड जो बॉडी के अंदर फ्लूड है प्रेजेंटली वो लॉस हो रहा है इन इवेंट्स की वजह से. सो ये एक कंडीशन बनती है यहाँ पर कि इससे जो कैंडिडेट है वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है. एंड इनमें स्पेशल केसेस होते हैं गाइस, जैसे कि कोई ओल्डर क्लाइंट है वो क्रॉनिकली इल है एंड यहाँ पर ये जो पेशेंट है इनका जो रिकग्निशन एबिलिटी है वो लॉस्ट होता रहता है एज पर एज. तो इस तरीके के जो पेशेंट हैं वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि उन्हें प्यास लगी है. सो ओरल इनटेक उनका यहाँ पर कम हो जाता है. सो इस वजह से ये जो पेशेंट हैं वो शॉक की जो कंडीशन है इनमें ईजीली डेवलप हो सकती है. या कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से भी फ्लूड का लॉस हो सकता है, लाइक डायबिटीज़ के पेशेंट को आपने देखा होगा कि वहाँ पर पॉलीयूरिया का कंडीशन होता है, या फिर कोई पेशेंट है डायूरेटिक्स ले रहे हैं. सो
तो वहाँ पर भी जो फ्लूड का लॉस है बॉडी से वो एक्सेस में हो रहा है. सो इसको हमें मॉनिटर करना होता है इस कंडीशन में कि कहीं पेशेंट का जो फ्लूड वॉल्यूम है वो एक्सेस में लो तो नहीं हो रहा है. सो ये भी कुछ कंडीशन है जो शॉक की जो कंडीशन है उसको लीड कर सकती हैं किसी केस के अंदर. सो गाइस यहाँ पे हमने हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को डिस्कस किया है. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लाइक जो ब्लड लॉस हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितना ब्लड लॉस होगा उसको आप शॉक की कंडीशन में काउंट करेंगे. लाइक यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि 500 से लेकर 1500 ml तक अगर जो ब्लड लॉस होता है उससे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं शॉक की कंडीशन के वो अपीयर होना शुरू होते हैं. इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. या फिर परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 15 से लेकर 25% तक अगर ब्लड लॉस होता है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर जो शॉक के सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू होते हैं. इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में देख सकते हैं. या फिर बर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्न की जो कंडीशन है उसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक किस तरीके से डेवलप होता है. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि जब फ्लूड शिफ्ट हो रहा है वास्कुलर स्पेस से इंटरस्टीशियल स्पेस के अंदर, सो उसी की वजह से ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप हो रहा है. या फिर आपसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके के सिम्टम्स हमें कैंडिडेट के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक के अंदर. गाइस सेकंड जो टाइप है शॉक का वो है कार्डियोजेनिक. मींस यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो या तो हार्ट की जो मसल्स की फंक्शनिंग है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई है उस वजह से ये शॉक कंडीशन डेवलप हो रही है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इंटरप्ट हो रहा है. सो यहाँ पर ये दो रीज़न है, या तो हार्ट की मसल्स की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है उसकी वजह से, या फिर जो ब्लड का फ्लो है हार्ट की मसल्स के अंदर उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो डेवलप. सो फर्स्ट जो कंडीशन है कि फंक्शनिंग यहाँ पर अफेक्ट हो रही है. सो इसमें यहाँ पर हमने MI के केसेस देखे गए थे. यहाँ पर MI के केसेस में क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है एंड उसका इफेक्ट जो है हार्ट की फंक्शनिंग के ऊपर आ जाता है. सो वहाँ पर जो एरिया है वो इस्चेमिक हो जाता है एंड फर्दर अगर ये कंडीशन बनी रहती है काफ़ी टाइम तक तो वो एरिया डेड हो जाता है, नेक्रोज हो जाता है. सो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा. एंड जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है गाइस और यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड का वॉल्यूम होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, सो फर्दर ये आगे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा. अगेन यहाँ पर इनएडिक्वेट परफ्यूजन की जो कंडीशन है वो डेवलप होती है एंड जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग पर इफेक्ट आता है इस तरीके से. MI के अलावा भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट होती है. लाइक अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो वहाँ भी जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उस पर इफेक्ट आता है गाइस. एंड अगर कोई ब्लंट इंजरी हुई है, कार्डियक ट्रॉमा हुआ है, तो भी इस कंडीशन में जो मायोकार्डियल मसल्स हैं उनके अंदर इफेक्ट आता है. सो वहाँ भी अगेन जो कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है. एंड कार्डियोजेनिक शॉक से रिलेटेड जो दूसरी कंडीशन है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस. इट मीन्स यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है. यहाँ पर जो फर्स्ट केस है वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म. इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है गाइस, सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए. सो ये वो कंडीशन होती है जहाँ पर डीप वेन जो थ्रॉम्बस होते हैं वो ट्रैवल करते हुए पल्मोनरी सेक्शन तक पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्हीं की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो डेवलप हो रहा है और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो टिश्यूज़ के अंदर परफ्यूजन है
वो प्रॉपर नहीं हो पाता है एंड इसकी वजह से जो राइट साइड वेंट्रिकल है उसका वर्कलोड बढ़ जाता है गाइस। सो यहाँ पर अगेन जो इफेक्ट आएगा वो कार्डियक आउटपुट के अंदर आएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट होना है वो कम होगा एंड इसी की वजह से जो शॉक की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है या फिर पेरिकार्डियल टेम्पोनेट की कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड या कोई फ्लूड का जो पोर्शन है वो पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से जो मायोकार्डियम है उसको एक्सपेंड करने के लिए इंटरफेरेंस पैदा हो जाता है और वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाती है। एंड जब मायोकार्डियम एक्सपेंड नहीं हो पाएगा इट मीन्स यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसके ऊपर अफेक्ट आ रहा है। सो उसी की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज होगा गाइस। या फिर न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन, न्यूमो मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन है वो एयर के साथ है, मीन्स जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर एयर का एक्युमुलेशन हो गया है, उसकी वजह से जो हार्ट है एंड जो वेसल्स हैं हार्ट की वो कंप्रेस हो रही हैं एंड इसका जो इफेक्ट है वो वीनस रिटर्न पे देखने को मिलता है कि जो प्रॉपर वीनस रिटर्न है हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होना है वीनस सर्कुलेशन के थ्रू वो नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में। सो इस तरीके से भी जो शॉक्स की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है इन कंडीशंस की वजह से। इनके अलावा भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हो सकते हैं, लाइक वल्वुलर इनसफिशिएंसी, जो कार्डियक वॉल्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से या फिर कोई ट्रोमा की वजह से, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है यहाँ पर। या फिर वेंट्रिकल्स के अंदर रप्चर हो गया है या फिर एओर्टिक पोर्शन के अंदर स्टेनोसिस है या फिर मिट्रल रीवेजिटेशन की कंडीशन है। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है शॉक का वो है डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर इसे हम वैजोजेनिक शॉक भी कह सकते हैं। वैजोजेनिक या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है इसका जो मेन रीज़न है वो है वैस्कुलर टोन, मींस यहाँ पर जो वेसल्स हैं उनकी जो टोन है उसके अंदर चेंजेस आ जाता है, वो एबनॉर्मली डायलेट हो जाएंगी जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा और यहाँ इस कंडीशन में जो वीनस रिटर्न है जो हार्ट तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा इस कंडीशन में। सो उसी की वजह से जो हार्ट को प्रॉपर सप्लाई होना है वो अफेक्ट होगा एंड इसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो जब इस कंडीशन में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है गाइस तो फर्दर जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन तक प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, उसी की वजह से सेल्स के अंदर एनोक्सिया एंड फर्दर ये जो कंडीशन है वो सेल डिस्ट्रक्शन में डेवलप हो जाती है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के तीन सब टाइप हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है एनाफाइलेक्टिक शॉक, मींस आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई ऐसी मेडिसिन होती है या फिर कोई फूड प्रोडक्ट होता है लाइक पेनिसिलिन जो ड्रग है वो किसी किसी कैंडिडेट को सूट नहीं करता है और इसीलिए हमेशा पूरा डोज देने से पहले इसका जो टेस्ट है वो किया जाता है। या फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैंडिडेट को बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ काट लें तो वो जो कंडीशन होती है उसकी वजह से भी ये एनाफाइलेक्टिक शॉक की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। सो इस तरीके की जो शॉक की कंडीशन है उसमें हमें किस तरीके की फाइंडिंग देखने को मिलती है, जब यहाँ पर इस केस में जब वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं तो पेशेंट के अंदर हमें अर्टिकेरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, मीन बॉडी के ऊपर रैशेज हो जाते हैं और उसको खुजली ज़्यादा आती है इस कंडीशन में एंड लैरिंजियल एडिमा एंड ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन, ये दोनों ही कंडीशन देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है एंड इस कंडीशन को अगर हम इमीडिएटली ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर कॉलेप्स की वजह से और साथ में रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन हो रही है उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। एंड यहाँ पर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस कि एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन में आप कौन सा जो इंजेक्शन है वो यूज़ करते हैं, सो आंसर होगा आपका एपिनेफ्रिन, क्योंकि यहाँ पर जो
वैजो डायरेक्शन की कंडीशन है वो क्रिएट हो गई है, उसको दूर करने के लिए मीन्स वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन को क्रिएट करने के लिए एपिनेफ्रिन का यूज़ किया जाता है। एंड इससे जो ब्रीदिंग है वो भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन डेवलप हो गई है। सो जब भी हम एपिनेफ्रिन को यूज़ करेंगे तो ये जो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन है वो भी इससे दूर हो जाएगा। सो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सो आपको पता होना चाहिए कि एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एपिनेफ्रिन। एंड एपिनेफ्रिन से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो चैनल के ऊपर है गाइस, आप उसको देख लीजिए, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों के लिए। इस कैटेगरी में जो सेकंड सब टाइप है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, या फिर हम इसे न्यूरोजेनिक शॉक भी कह सकते हैं गाइस। जैसा कि नाम से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इंजरी हो रही है वो स्पाइनल कॉर्ड एरिया के अंदर हो रही है। एंड इसमें भी मेनली जो सर्वाइकल रीजन है उसके अंदर इंजरी होती है। सो यहाँ पर जब इंजरी जिस रीजन में होती है उससे जो नीचे वाली जो सर्वाइकल पोर्शन है अफेक्टेड हो जाएगा, मीन्स वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा, कोई भी मैसेज वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो यहाँ पर ये ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। एंड जब इस तरीके की इंजरी होती गई तो यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, एंड साथ में जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अनअपोज्ड रहेगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो वैजोडायलेशन है वो क्रिएट हो रहा है। एंड आपको पता है कि जब वैजोडायलेशन क्रिएट हो जाता है तो मीन्स यहाँ पर जो वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड जब डिक्रीज हो जाएगा वीनस रिटर्न तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो भी डिक्रीज होगा। एंड फर्दर जो हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पहुंचना है वो प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं हो पाएगा। सो इसी की वजह से ये जो शॉक की कंडीशन है वो डेवलप हो रही है। वैजोजेनिक शॉक का थर्ड सब टाइप है सेप्टिक शॉक। ये जो शॉक है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए हैं गाइस, और ये जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पर ये सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उसकी वजह से ये जो शॉक की कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। सो इस तरीके का जो शॉक है वो सेप्टिक शॉक कहलाता है। सो गाइज इस टॉपिक में यहाँ तक ही हम कवर कर पाएंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक, मीन्स कि शॉक किस तरीके से डेवलप होता है। इन तीनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से शॉक डेवलप हो रहा है, सो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। एंड ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को वैल्यूएबल लगती है गाइज तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ उस मेहनत के लिए आप यहाँ पर इसको शेयर कीजिए या फिर इसको लाइक कीजिए, और अगर कोई फीडबैक आपकी तरफ से आपको लगता है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडी एंड बाय।